भाई वो दे। हाँ चमक रहा है कुछ ने? आ रही चमक है रहा है। कैमरे में हाँ आ रहा है। भाई अमन हाँ कोई लेटा हुआ है वहां पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खतरनाक भाई के साथ में एक और लोकेशन जो आपके लिए डिजर्व करती है। अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ मित्रों, तो आज से कई टाइम पहले एक करवा चौथ का त्यौहार, और उस त्यौहार में इस जगह की जो सच्चाई है, जो लोगों के द्वारा बातें बनाई गई हैं या जो बातें हैं उसमें बताया गया है मेरे ही सब्सक्राइबर ने कि उन लोगों के बीच में कोई आपसी मतभेद ऐसे हुए होंगे जिस उस व्यक्ति को अपनी पत्नी पे शक हुआ, और शक होने के कारण इस जगह पे कहीं पे उसने अपनी पत्नी को मार दिया। अधिकतर हम लोग जब अपने घर में एक त्योहार रखते हैं और वो त्योहार हमारे पर्व एक खुशहाली लेके आते हैं, तो मेरा सबसे निवेदन है शक पति पत्नी के बीच का अगर कभी हो तो आपस में बैठ के उसको दूर करें, ना कि उस शक को आप जितना अपने माइंड में लेकर के आएंगे उतना आप बढ़ावा देंगे। बाकी लोगों का जो कहना है कि हमें इस जगह पे, वैसे तो लोग इस गोदाम की तरफ अब बहुत कम ही आते हैं, बट अगर मैं कहूँ तो लोगों को आज भी कोई यहाँ पे लाल चुन्नी ओढ़ करके दिखता है, जिससे कि लोगों के मन में छल या लोगों के मन में एक बहुत बड़ा एक वहम है। और इस लोकेशन को मैं पूरा करने के लिए आया हूँ अपने सारे सब्सक्राइबरों से, और सच कहूं तो लोकेशन अपने आप में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी एक खंडर बनी हुई जगह है। वैसे तो खतरनाक भाई ने लोकेशन बहुत कवर करी, बट ऐसी लोकेशन पे आकर के अपने आप में जो लोगों का डर है, अपना काम यही है भाई लोगों का डर मिटाना, ना कि लोगों में डर बढ़ाना। पूरी जगह को इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे क्या है ऐसा। भाई अमन हाँ कुछ है, गाड़ियां काफी गहरी हैं, कुछ हल्की सी मुझे चहल कदमी दिखी। किस तरफ? सामने? कुछ हल्की सी एक चहलकदमी, लाइट तेज करता हूं और आगे उस जगह पे इंद्राजों को मैं ढूंढता हुआ इस लोकेशन पे आज पहुंचा हूं। ये देख, चल काली पन्नी है, नीचे थोड़ा सा ध्यान से देखते हो ना, ऊपर पेड़ों में भी ध्यान देना क्योंकि पानी भर चुका है और डर इन लोकेशन पे आकर के सबसे ज्यादा। मैं अगर कहूं तो सांपों का भी है इस गोदाम को पूरा सुनता हुआ, इस लोकेशन पे पूरे चलते हुए भाई झाड़ियां होंगी बहुत। वो दे चमक रहा है कुछ? हाँ यार मेरी लोकेशन पर अधिकतर ये क्यों होता है यार? दिखा देख, वो देख। हाँ हाँ कैमरे में भी आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो भाइयों अभी अभी मुझे एक आंख दिखी है, और वो आंख ये देख आ चमक रही है रहा है। कैमरे में, हाँ आ रहा है, कुछ चमक रहा है। और वो अपनी हाइट में उठी हुई है आंख। क्यों? हाँ ये देख नीचे। क्या आप वही हैं जिनके बारे में मैंने इस लोकेशन में सुना है?
मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आया हूं। भाई बहुत सांप, बिल्कुल सांप आग दिखी है। देख हिला हिला, बहुत सांप आग दिखी है, बहुत ज्यादा सांप। भाई अमन हाँ, तेरे को भी दिखना बिल्कुल क्लियर आंखें। हाँ आंखें तो दिख रही है, हम कैमरे में भी आई है। हाँ भाई क्या हो गया अपनी लोकेशनों में यार? ये देख, गोदाम के पीछे कोई खड़ा नहीं हो सकता है, बट इस गोदाम के पीछे कोई खड़ा तो नहीं हो सकता है, बट सांप मुझे बिल्कुल साक्षात इस जगह पे आज आंखें दिखी हैं, और उन आंखों के मैं नजदीक बहुत जाता हुआ कोई चीज चल रही है वहां पे, दिखा मेरे भाई, दिखा चल रही है कोई चीज, और ये चलती हुई चीज इधर आके दिखा, पास में दिखा करके, पास में चलेंगे डरेंगे नहीं, आखिर कौन सी ऐसी चीज है। देख देखा अपने आप में मैं सहमा हुआ था इस लोकेशन पे आगे चलता हुआ, आखिर वो कौन सी चीज थी, कौन सा ऐसा एक राज था। भाई बहुत ही ज्यादा तो गायब हो गया अनबील पर मेरे पास में आने पे उस लोकेशन पे मैं चारों तरफ ध्यान देखते हुए, देख भाई क्या कहेगा मन? झाड़ी तो देखो। हाँ झाड़ी, झाड़ी की छोड़ यार मेरे भाई, वो था क्या ऐसा? हाँ बता, शायद इस कैमरे में भी वो आंखें रिकॉर्ड हो पाई हो, क्योंकि इसी जगह पे मुझे कोई चीज देखी थी, क्या वही है जैसा कि मैंने सुना था? मैं तो बहुत हल्के में आया था इस लोकेशन पे। भाई भाई कोई गया है यहाँ पे, कोई गया है, ये देख रोंगटे खड़े हो गए हैं, और इसी जगह पे कोई खड़ा हुआ था। लोकेशन मैंने बहुत ही हल्के में ली थी ये वाली, बट भाई क्या था वो? कैमरे में आई है ना मन? हाँ बिल्कुल साफ आई है ना, क्लियर तो नहीं आई थी लेकिन दिख रही थी, चमक तो वो दिख रहा था कुछ। भाई देख चहलकदमी आ रही है, चहलकदमी आ रही है, कुछ तो है इस जगह पे, कुछ तो है, रुक जा, कोने से ज्यादा चहलकदमी आ रही है। ये देख कोई चीज हिल रही है, चूहा दौड़ रहा है, कोई चीज हिल रही है, चूहा दौड़ रहा है, कोई चीज हिल रही है, चूहा दौड़ रहा है, कोई चीज हिल रही है, चूहा दौड़ रहा है। भाई लोकेशन अपने आप में डिजर्व करती है, मेरे सारे सब्सक्राइबरों में कोई चीज थी जो इस जगह पे बहुत सहमी सहमी सी गई हुई है। अभी मैं तो एकदम पीछे देख, पीछे देखा, पीछे लगी मुझे वो आंखें, फिर से लगी वो आंखें, भाई फिर से लगी वो आंखें। अमन हाँ, कुछ सांप आई थी ना मेरे भाई? हाँ हाँ आई थी, आखिर क्या हुआ है भाई? अमन हाँ, कोई लेटा हुआ है वहां पे? अबे मैं तो बहुत हल्के में आया था वो देख, थक तो रहा है। हाँ अभी, हाँ कोई लेटा हुआ है वहां पे, चल रही है, संभल के जाना। पहली बार लोकेशन में आकर के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को इस जगह पे। पीछे भी देखना पड़ेगा, वो आंखें बहुत साफ थी, और लोकेशन अपने आप में ही आज बहुत ज्यादा मेरी लाइफ की इन्वेस्टिगेशन करते करते अब ऐसा हो रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं था मेरे भाई जैसा आजकल हमारे साथ में हो रहा है, बट
पीछे कुछ चीज हिली है, देख इसी जगह पे ही कोई ऐसा एक राज है जो पूरा घूम रहा है। क्या एक बार तुम वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख नीचे नीचे फिर से देखी। कोई तो है, आवाज भी आ रही है। हाँ रोने जैसी आवाज आई ना थोड़ी सी। हाँ हाँ आवाज आई। कुछ तो है, मैं तो बहुत हल्के में आया था, मतलब कि ऐसे ही कि कुछ नहीं होगा। वो देख हम उधर जा रहे हैं तो दूर से हमें उधर कुछ दिख रहा है, और इधर आ रहे हैं तो इधर पे थोड़ा सा लग रहा है, बट है क्या? हाँ कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। बट है क्या ऐसा जो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अब किस तरह करें पूरी इन्वेस्टिगेशन? इस गोदाम के पीछे कुत्ता रो रहा है। हाँ कुत्तों की रोने की आवाज भी स्टार्ट हो गई है। सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी की पहचान होती है वो मैंने अपनी लाइफ में सुना है कि कुत्तों को बहुत जल्दी कवर करते हैं वो इस चीज उन चीजों को, बट लोकेशन अपने आप में एक हार्ड एविडेंस देखे जाती हुई आज की इस रात में। बट वो आंखें थी किसकी जो हमारी समझ से थोड़ी सी परे थी। चल लोकेशन को इधर से पूरा कवर करते हैं। कुछ हिला? चल लोकेशन को इधर से कवर करते हैं। अमन डर तो नहीं लग रहा है मेरे भाई? नहीं तो तुम्हारे साथ कैसा डर? बट देख फिर से कोई चीज है दी हार्ड एविडेंस थे मेरे भाई वो। हाँ हाँ बहुत ज्यादा ही हार्ड एविडेंस थे। और नीचे देखते हो आना रास्ते में टीचर और एक दल दल इस लोकेशन में पहुंचा हूँ। मेरे सारे सब्सक्राइबरों ने और मैं कहूँ कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है अमन कि हम लोग जब भी किसी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं ना उस लोकेशन पे कोई ना कोई एक ऐसा एविडेंस वो चीज छोड़ के जा रही है। और क्या कहेगा तू यार? हाँ लोगों के द्वारा जो बातें थी मैं तो ये सोच के आया था कि वो एक बातें हैं, बट एविडेंस और प्रूफ साफ आज आपके सामने हैं। आपके फिर से कोई आवाज आ रही है? हाँ भाई आपको डराने का काम नहीं है हमारा। जो रियलिटी है वो रियलिटी सारी आज इस कैमरे में कैद हुई होगी और जल्द ही कुछ इक्विपमेंट भी आने वाले हैं सारे डिवाइस के साथ में। हम इस लोकेशन में आपको दोबारा मिलेंगे और लोकेशन मैं आज छोड़ के तो नहीं जा रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा कि मैं आज लोकेशन छोड़ के जा रहा हूँ। लोकेशन मैंने आज आपके सामने पूरी कवर करी है, लोकेशन पूरी दिखाई है आपको, कुछ इक्विपमेंट भी आएंगे। अपना काम था अभी तक जब तक इक्विपमेंट नहीं आ रहे तब तक मैं अपनी रियल जो मेरी एक एक्सपीरियंस कहूँ या अपनी फीलिंग कहूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपको लगता है कि आपका खतरनाक भाई आपके लिए जो भी काम कर रहा है वो एक अच्छे मन से कर रहा है तो मित्रों जितना हो सके चैनल में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अगर आप एक एक सब्सक्राइबर भी जोड़ोगे, मैंने कभी तो आपसे कहा नहीं कि लाइक करें सब्सक्राइब करें, बट अगर आप एक एक भी सब्सक्राइबर जोड़ोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं जल्दी एक खतरनाक वीडियो में, तब तक ले अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।
जय हिंद जय भारत।